हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के क्लीनिंग क्लोथ्स और रैग्स के बारे में। चाहे डे टू डे क्लीनिंग हो या डीप क्लीनिंग, सबके लिए हमें क्लीनिंग टूल्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एंड वन ऑफ देम इज़ क्लीनिंग क्लोथ्स एंड रैग्स। देर इज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ क्लीनिंग क्लोथ्स अवेलेबल इन द मार्केट और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप के क्लीनिंग क्लॉथ को कहाँ और कैसे यूज़ करना चाहिए, उन्हें कैसे वॉश करें और कब थ्रो करें। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीनिंग क्लॉथ्स एंड देयर यूजेस। Nowadays, market is flooding with different types of cleaning supplies and one of the popular cleaning cloth is microfiber cloth. माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो हैं वो बहुत से कलर्स, साइजेस, क्वालिटी और टाइप्स में मार्केट में अवेलेबल हैं। माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स बहुत ही अच्छे से डर्ट और मॉइस्चर को होल्ड कर सकते हैं और ये ड्यूरेबल और रीयूजेबल हैं। प्लस यू डोंट नीड टू यूज़ क्लीनिंग स्प्रेज और केमिकल्स एज माइक्रोफाइबर क्लॉथ एक्ट्स एज अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट्स नेगेटिवली चार्ज्ड डस्ट एंड इज़ वेरी इफेक्टिव इन रिमूविंग डर्ट एंड डस्ट। दे आर ऑल्सो लिंट फ्री, सो दे डोंट लीव एनी स्ट्रीक्स और लिंट बिहाइंड। इन्हें आप ऑलमोस्ट किसी भी एरिया को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे किचन, बाथरूम, लॉन्ड्री, कार, विंडोज़ और डोर्स एक्सेट्रा। फर्नीचर वगैरह से डस्ट को साफ करने के लिए आप एक ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, या टफ स्टेन्स के लिए आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर थोड़ा सा पानी और विनेगर स्प्रे करके भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। दे आर सुपर एब्जॉर्बेंट एंड कैन ईजिली एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ वाटर एंड ड्राई क्विकली। गुड क्वालिटी माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स जो हैं वो काफ़ी थिक होते हैं और हाईली एब्जॉर्बेंट भी होते हैं। इस टाइप के थ्रेड वाले माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को आप जनरल क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जबकि ये फ्लैट वोवन माइक्रोफाइबर क्लॉथ ग्लास, विंडोज़ और क्रॉकरी वगैरह को साफ करने के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि फ्लैट वोवन होने की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ग्लास और क्रॉकरी को बिना किसी स्क्रैच के इनकी हेल्प से आप वाइप कर सकते हैं। ऑल्दो आई रेकमेंड एयर ड्राइंग द डिशेज बिफोर पुटिंग देम अवे, हाउ एवर यू कैन ऑल्सो यूज अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ फॉर ड्राइंग डिशेज इन द किचन एंड इट विल बी बेस्ट टू कीप अ सेपरेट क्लॉथ फॉर दिस चोर एंड वॉश इट एवरी डे एंड एयर ड्राई आफ्टर ईच यूज़। मैं यूजुअली डिशेज़ को डिशवॉशर में एयर ड्राई करती हूँ और हैंड वॉश्ड डिशेज़ को डिश ड्राइंग रैक की हेल्प से ड्राई करती हूँ, एज एयर ड्राइंग इज़ द बेस्ट वे टू ड्राई योर डिशेज़। डिश ड्राइंग रैक में यूजुअली विद इन एन आवर डिशेज़ कम्प्लीटली ड्राई हो जाती हैं एंड देन यू कैन पुट देम अवे विदाउट अट्रैक्टिंग एनी जर्म्स। माइक्रोफाइबर क्लॉथ के बहुत सारे बेनिफिट्स होने के बाद भी इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है। That's why I would suggest you all to minimize their use and try to use them for as long as you can. एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ को आप ईजिली एक साल से भी ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मैं किचन में एक नया माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करती हूँ विच लास्ट मी फॉर अबाउट 4 to 6 months। इसके बाद मैं उसे बाथरूम में यूज़ करती हूँ एंड वेन इट हैज़ कम्प्लीटली वॉर्न आउट देन आई यूज़ देम फॉर डीप क्लीनिंग द वेरी डर्टी एरियाज अराउंड द हाउस। This way I can easily use one microfiber cloth for more than a year until it is completely unusable. अब बात करते हैं कि इन्हें वॉश कैसे किया जाए। इन्हें हमेशा बाकी कपड़ों से अलग वॉश करना चाहिए क्योंकि ये लिंट फ्री होते हैं और अगर आप इन्हें दूसरे कपड़ों के साथ वॉश करेंगे तो उन कपड़ों का जो लिंट है वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स के ऊपर रह जाएगा और इससे इनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। इन्हें आप सेपरेटली वॉशिंग मशीन में एक जेंटल डिटर्जेंट की हेल्प से जेंटल वॉश साइकिल पर वॉश कर सकते हैं। अदरवाइज इन्हें आप हाथ से भी कोई भी जेंटल डिटर्जेंट यूज़ करके वार्म वाटर से साफ़ कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि इन्हें कभी भी बहुत गर्म पानी से वॉश ना करें। मैं पर्सनली किचन में यूज़ होने वाले माइक्रोफाइबर क्लॉथ को एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड यूज़ करके अच्छे से स्क्रब करके साफ़ करती हूँ एंड देन आई लीव इट टू ड्राई ओवरनाइट ऑन टॉप ऑफ द टैप। जनरल क्लीनिंग और बाथरूम में यूज़ होने वाले माइक्रोफाइबर क्लॉथ को मैं लिक्विड हैंड सोप की हेल्प से अच्छे से स्क्रब करके वॉश करती हूँ और अगर क्लॉथ ज़्यादा गंदा है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए वार्म वाटर में सोक करके छोड़ देती हूँ एंड देन आई वॉश इट थरली विद क्लीन वाटर एंड लीव इट टू ड्राई ऑन द टैप। दिस वे आई एम एबल टू कीप देम क्लीन फॉर नेक्स्ट यूज़। नेक्स्ट अप आर सेल्यूलोज स्पंजेस। ये बायोडिग्रेडेबल हैं एंड दैट्स वाई दे आर इको फ्रेंडली।
ये स्पंजेस बहुत से कलर्स में, रेक्टेंगुलर या ओवल शेप्स में मार्केट में अवेलेबल हैं। ये भी हाईली एब्जॉर्बेंट हैं और इसीलिए किचन और बाथरूम के क्लीनिंग टास्क के लिए काफ़ी अच्छी हैं। इनके अंदर ये जो छोटे छोटे होल्स हैं, दे कैन ईजिली एब्जॉर्ब लिक्विड एंड होल्ड इट इनसाइड। ये स्पंजेस बाथरूम सर्फेसिस, काउंटर टॉप्स, डिशेज एंड एवरीडे स्पिल्स को क्लीन करने के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। इनकी अगर नेगेटिव साइड की बात करें तो इनके होल्स के अंदर फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरियाज चले जाते हैं, विच कैन कॉज द स्पंज टू स्टार्ट टू ब्रेक डाउन और स्मेल। दैट्स वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डिसइनफेक्ट एंड रिप्लेस देम रेगुलरली, स्पेशली अगर आप इन्हें किचन में यूज़ कर रहे हैं तो। सेल्यूलोज स्पंजेस को क्लीन करने के लिए इन्हें 1 पार्ट ब्लीच और 10 पार्ट्स वाटर के मिक्सचर में कुछ देर के लिए सोक करके रखें। इसके बाद इसे रिंस करके एयर ड्राई करें। दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू क्लीन दीज स्पंजेस। आप इन्हें विनेगर में सोक करके भी क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा इन स्पंजेस को आप वॉशिंग मशीन या डिश वॉशर में भी क्लीन कर सकते हैं। जिस भी मेथड से आप इन्हें क्लीन करें, जस्ट मेक श्योर टू एयर ड्राई देम। दिस वे दे विल नॉट अट्रैक्ट मोर बैक्टीरिया। मेरा जो पर्सनल सिस्टम है इन्हें क्लीन करने का, उसके अकॉर्डिंग मैं किचन वाली स्पंज को अच्छे से डिश वॉशिंग लिक्विड से हॉट वाटर की हेल्प से साफ कर लेती हूँ एंड देन आई कीप इट इन द टॉप रैक ऑफ माई डिश वॉशर टू क्लीन इट विद दी अदर डिशेज। अगर आप इन्हें रेगुलरली सैनिटाइज करेंगे तो दे विल लास्ट यू अबाउट अ मंथ। अदरवाइज आपको इन्हें हर 1 या 2 हफ्ते के बाद रिप्लेस करना पड़ेगा। एक स्पंज को किचन में कुछ दिन यूज़ करने के बाद अगर वो स्टिल ठीक लगती है तो आप उसे बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं अंटिल इट्स कम्प्लीटली वॉर्न आउट। सेल्यूलोज स्पंजेस की तरह ही सेल्यूलोज वाइप्स भी डस्टिंग और जनरल क्लीनिंग चोर्स के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। दे आर इको फ्रेंडली एंड आर हाईली एब्जॉर्बेंट एज वेल एंड ऑल्सो ड्राइज वेरी क्विकली। They are also lint free, so they do not leave any residue behind after cleaning. इन wipes को आप washing machine में या dishwasher में wash कर सकते हैं। Otherwise, you can also sanitize them in the microwave. इन्हें wet करके 1 से 2 मिनट तक के लिए microwave करें and be careful when you take it out as it can be hot. If sanitized regularly, तो एक cellulose wipe easily 1.5 से 2 महीने तक चल जाएगी। नेक्स्ट वंस आर डिस्पोजेबल और रीयूजेबल क्लीनिंग क्लोथ्स और रोल्स। दीज आर अ गुड अल्टरनेटिव ऑफ पेपर टॉवल्स। ये रीयूजेबल हैं और एब्जॉर्बेंट भी हैं। हाउ एवर दे आर नॉट हाईली एब्जॉर्बेंट एज अ स्पंज और माइक्रोफाइबर क्लॉथ। इन्हें आप किचन, बाथरूम और जनरल क्लीनिंग चोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। दे कम एज अ रोल और एज अ पाइल ऑफ रैग्स। इट्स बेस्ट टू यूज़ देम वेट और स्लाइटली डैम्प। मैं यूजुअली इन्हें एक्सीडेंटल स्पिल्स जैसे ऑयल को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ रादर देन यूजिंग माई रेगुलर किचन क्लीनिंग क्लॉथ। ऑयल को ये बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन आई यूजुअली वॉश देम क्विकली यूजिंग सम सोपी वाटर एंड वंस दे आर ड्राई आई कीप देम असाइड फॉर अनदर यूज़। दे आर मशीन वॉशेबल और यू कैन ऑल्सो हैंड वॉश देम यूजिंग एनी माइल्ड डिटर्जेंट। डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेज दे कैन लास्ट अप टू 4 to 7 days. You don't always have to spend money on cleaning clothes and rags for cleaning around the house. You can also use something that you already have at home. आप कोई भी पुराना टॉवल घर की क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं इस पुराने टॉवल को काट कर क्लीनिंग रैग्स बना रही हूँ। इन्हें और सुंदर बनाने के लिए मैंने एक फैब्रिक शॉपिंग बैग की हेल्प से इनके चारों तरफ एक बॉर्डर बना दिया है। पुराने टॉवल्स जो हैं वो हाईली एब्जॉर्बेंट होते हैं इवन वेन दे आर नॉट गुड इनफ टू यूज़ एज अ बाथ टॉवल। इन्हें आप किचन, बाथरूम या जनरल क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी दे विल वर्क एज गुड एज एनी अदर स्टोर बोर्ड क्लीनिंग क्लॉथ्स। पुराने टॉवल्स की ही तरह पुरानी कॉटन टी शर्ट्स को भी क्लीनिंग रैग्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। आई क्वाइट लाइक दीज ओल्ड होजरी कॉटन टी शर्ट्स फॉर द रेगुलर क्लीनिंग चोर्स अराउंड द हाउस। आई यूजुअली डोनेट द वंस दैट आर स्टिल इन गुड कंडीशन, बट जो टी शर्ट्स पहनने लायक नहीं हैं, जैसे कहीं से फट गई हैं, तो उन्हें मैं काट कर क्लीनिंग रैग्स की तरह यूज़ करती हूँ। मेरे घर में मोस्टली हाई ग्लॉस फर्नीचर है और इस फर्नीचर को एक कॉटन टी शर्ट से क्लीन करना मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव और ईजी लगता है। दैट्स वाई आई ऑलवेज कीप अ फ्यू टू क्लीन द फर्नीचर अराउंड द हाउस। आई लाइक टू क्लीन द टी शर्ट्स एंड ओल्ड टॉवल्स दैट आई यूज़ फॉर क्लीनिंग इन अ सेपरेट लोड इन द वॉशिंग मशीन। अब बात करते हैं किचन टी टॉवल्स की। मेरी किचन में एक टी टॉवल हमेशा ओवन डोर पर रहता है टू ड्राई माई हैंड्स आफ्टर वॉशिंग दैम। और ये तो आपको पता ही है कि किचन में हम पूरे दिन में कितनी बार हाथ धोते और ड्राई करते हैं,
विच मीन्स कि ये जो टी टावल है ये पूरे दिन में बहुत से जर्म्स अट्रैक्ट करता है एंड इट इज़ सोक्ड विद वाटर एट द एंड ऑफ द डे। इसीलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू वॉश देम रेगुलरली। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप टी टावल्स को डेली चेंज करें एंड फॉर दैट रीज़न आई हैव केप्ट मोर देन 10 टी टावल्स इन माई किचन टू चेंज डेली। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप इन्हें साथ के साथ वॉश नहीं करने वाले हैं तो गीले टी टावल को कभी भी लॉन्ड्री बास्केट में ना रखें एज इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट मोर बैक्टीरिया ड्यू टू बीइंग वेट। इंस्टेड मैं क्या करती हूँ कि आफ्टर द एंड ऑफ द डे आई लीव इट टू ड्राई ऑन द ओवन डोर ओवरनाइट एंड आई चेंज इट एवरी मॉर्निंग विद अ न्यू वन। आई ऑल्सो हैव अ सेपरेट ड्रॉर इन माई लॉन्ड्री टू कीप द डर्टी टी टावल्स। हफ्ते के एंड में मैं सभी टी टावल्स को एक साथ एक सेपरेट साइकिल में वॉशिंग मशीन में वॉश कर लेती हूँ। इट इज़ ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट इन हाईली एब्जॉर्बेंट गुड क्वालिटी टी टावल्स एंड वन टी टावल कैन ईजीली लास्ट यू अ कपल ऑफ ईयर्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग।